नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की क्लास और बनाएंगे दो नए नए पैटर्न के मेन्स लेवल के पजल ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हिंदी वाले स्टूडेंट्स जल्दी से इसका स्क्रीन ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए लगभग आठ मिनट का समय दोस्तों दिया जाएगा लगभग आठ मिनट का इस क्वेश्चन के लिए ऑफिसर yes, पे क्लास क्यों नहीं हुई आज अरे हुई तो थी आयुषी कैसे कर दे रही हो सुबह हुई थी क्लास साढ़े नौ बजे भी हुई थी साढ़े दस बजे भी हुई थी दोनों पेड क्लास हुई थी चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं हिंदी वालों ने स्क्रीन ले लिया होगा या वीडियो को पॉज कर लिया होगा तो चलते हैं इंग्लिश क्वेश्चन पर और इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं लगभग आठ से दस मिनट क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है पीयू लेवल का तो इतना समय है आपके पास टाइमर मैं ऊपर स्टार्ट कर देता हूं तो ये टाइमर यहाँ पर चल रहा है दोस्तों आप स्टार्ट करिए जल्दी से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए बन जाए तो डन लिख दीजिएगा तो फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और ये क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पहले डन के मैसेज कुछ लोगों के तो आ रहे हैं स्टार्ट किया जाए क्या चलिए दोस्तों आ, कुछ लोगों के डन के मैसेज तो आ रहे हैं काफी लोग बोल रहे हैं स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट किया जाए देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहां पर अ रेलवे लाइन वाज क्रॉसिंग थ्रू ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एक रेलवे लाइन है जो कि ईस्ट से ऐसे वेस्ट की तरफ क्रॉस कर रही है अब आगे आपको क्या बोल रहा है रेलवे गेट वॉज दैट क्रॉसिंग एंड ऑन ईच साइड ऑफ दैट गेट थ्री वर स्टैंडिंग इन रो फेसिंग ईच ईच अदर तो आपको बोल रहा है साइड दोनों साइड मतलब रेलवे फाटक है फाटक के दोनों तरफ तीन तीन गाड़ियां खड़ी हुई है एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए मतलब इधर से उधर जाने वाली गाड़ियां इधर फेस कर रही है और जस्ट उस तरफ से इधर आने वाली गाड़ियां इधर फेस कर रही हैं ठीक है उसके बाद आगे क्या बोल रहा है

तो बोल रहा है कि जो इधर की फेसिंग वाली गाड़ी होगी इस तरफ फेस करने वाली जो गाड़ी होगी ऐसे उसमें दो लोग ऐसे सामने की सीट में बैठे हैं दो लोग ऐसे पीछे की सीट में बैठे हैं ठीक है जो साउथ फेसिंग वाली गाड़ी होगी उसमें भी ऐसे ही होगा दो लोग ऐसे सामने वाली सीट में बैठे होंगे दो लोग पीछे वाली सीट में बैठे होंगे ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर जैसे ये गाड़ी है ये ऐसे सामने की सीट में दो लोग हैं पीछे की सीट में दो लोग हैं वैगन आर या अल्टो चार सीटर गाड़ी समझ लो कोई सी भी तो छह गाड़ियां ऐसी खड़ी है तीन उस तरफ, तरफ, इस ठीक है? तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे भाई? गाड़ी, गाड़ी हर गाड़ी में चार चार लोग है तो टोटल कितने होंगे जल्दी बताओ ठीक है? स्टार्ट करते हैं और, कुछ आगे। इन हाँ। वेंस वर -वर और है? सारी वैन एक साइज की है फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ठीक है अगर लेफ्ट राइट -right की बात करेगा मतलब कि सेम वैन में है सेम वैन में ही लेफ्ट राइट -right होगा ऐसा नहीं है कि मेरे लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है तो मेरे लेफ्ट वाला पर्सन दूसरी वैन में बैठा है ऐसा नहीं होगा ठीक है पर्सन ए वॉज लेफ्ट राइट ऑफ पर्सन बी मीन्स दे वर इन द सेम वैन लेफ्ट राइट की बात सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी की की जाएगी ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी मेरे लेफ्ट में जो बैठी है दूसरी गाड़ी में दूसरी गाड़ी से आपको क्या मतलब भाई और दूसरी गाड़ी में दूसरी फैमिली बैठी है आपकी फैमिली इसमें गाड़ी में तो आपको लेफ्ट राइट जो भी बोलेगा वो इस गाड़ी मतलब एक एक गाड़ी के बारे में बात कर रहा है दूसरी गाड़ी में जबरदस्ती नहीं घुसना है ठीक है और क्या बोल रहा है भाई नोट में बस इतना ही बोला इन फ्रंट बिहाइंड बोला है देवर इन द सेम वैन फ्रंट बिहाइंड मतलब फ्रंट बिहाइंड भी बोलेगा तो भी सेम गाड़ी की बात कर रहा है तो लेफ्ट राइट बोले चाहे फ्रंट बिहाइंड बोले सेम गाड़ी की बात कर रहा है मतलब ये चार पर्सन की ही बात होगी ऐसे हर एक गाड़ी की बात होगी चलो तो आगे चलते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं भाई इसमें सबसे पहले क्या करेंगे एक फाटक बना लेते हैं ये रेलवे फाटक है ठीक है ये रेलवे फाटक है ऐसे तो अब इस रेलवे फाटक के उस पार और इस पार गाड़ियां खड़ी हुई है तो इस पार तीन गाड़ी खड़ी होगी यहां पर ऐसे तीन गाड़ियां होगी तो ये एक गाड़ी हो गई ये दूसरी गाड़ी हो गई और ये तीसरी गाड़ी हो गई वैसे यहां पर भी ऐसा हो जाएगा सेम एक दो तो तीन गाड़ियां उस पार है तीन गाड़ियां इस पार है बीच में रेलवे फाटक है ईस्ट से वेस्ट की तरफ का अब क्या बोल रहा है हरीश वॉज टू द लेफ्ट ऑफ विवेक बारह नहीं सॉरी मैं चौबीस पर्सन बोलना था बारह पर्सन एक साइड में होंगे मैंने बारह बोल दिया था वो एक साइड का बताया था मैंने चार चार आठ चार बारह और बारह उस तरफ भी होंगे तो टोटल चौबीस हो जाएंगे ठीक है अब क्या बोल रहे हैं हरीश वॉज टू द लेफ्ट ऑफ विवेक वॉर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रोहन इन द मिडिल वैन तो क्या बोल रहा है मिडिल वैन पे बैठता है हरीश वॉज टू द लेफ्ट ऑफ विवेक हरीश जो है वो लेफ्ट में है विवेक के जो है वो लेफ्ट में है विवेक के वो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रोहन ये रोहन के आगे बैठा है ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है सोहन वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ललित इन द मिडिल फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन अब क्या बोल रहा है सोहन वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ललित इन द फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन मतलब सोहन और ललित इस वाली गाड़ी में आने वाले हैं। सोहन और ललित इस वाली गाड़ी में आने वाले तो डेफिनेटली ये जो तीन लोग हैं वो इस वाले मिडिल वैन पे आएंगे भाई आपको क्या बोला सोहन वॉज इन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ललित इन द मिडिल मिडिल वैन वैन तो तो ये वाली हो गई सोहन और ललित अगर इसमें आने वाले हैं तो ये तीन बंदे इसमें कैसे आएंगे फिर पांच लोग हो जाएंगे ना तो डेफिनेटली ये तीन लोग इस वाली मिडिल वैन पे आएंगे तो इस वाली मिडिल वैन पे आएंगे तो ये ऐसे डायरेक्शन इनका पलट जाएगा मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा विवेक के लेफ्ट में हरीश तो विवेक के लेफ्ट में हरीश इस तरफ हो जाएगा ऐसा और हरीश जो है वो रोहन के सामने है, तो रोहन हो जाएगा यहां पर ठीक इसको हटा देते हैं अब ये वाली लाइन को लिख देते हैं सोहन वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ललित सोहन जो है वो ललित के सामने बैठा है इस वाले मिडिल वैन पे पुनीत हु वॉज फेसिंग टूवर्ड साउथ डायरेक्शन वॉज सिटिंग ऑन सिटिंग टू द राइट ऑफ रोनित पुनीत वॉज फेसिंग टूवर्ड साउथ डायरेक्शन मतलब इधर की गाड़ियों में बैठा होगा कहीं पर पुनीत और वो राइट में बैठा है रोनित के तो रोनित के राइट में है मतलब वो कुछ ऐसा बनेगा देखो रोनित भाई नीचे देख रहा है तो राइट इस तरफ हो जाएगा देवी वॉज सिटिंग टू तो द लेफ्ट ऑफ मिहिर देवी जो है वो लेफ्ट में है मिहिर के यहां पर लिख लेते हैं देवी जो है वो लेफ्ट में है मिहिर के मनिक एंड पुलकित वर सिटिंग बिहाइंड रोनित एंड अजय रेस्पेक्टिवली मनिक एंड पुलकित वर सिटिंग बिहाइंड रोनित एंड अजय रेस्पेक्टिवली बोला है मतलब कि मनिक जो है वो रोनित के पीछे बैठा है तो रोनित के पीछे मतलब मनिक <coughs> आ जाएगा यहाँ पर ऐसा और पुलकित जो है वो अजय के पीछे बैठा है तो पुलकित अजय किस वाले में है इधर है कि इधरें नहीं पता तो यहां पर लिख देते हैं पुलकित सिटिंग बिहाइंड अजय

तो अजय पुलकित को यहां पर लिख देते हैं अजय जो है ये सामने बैठा हुआ है पुलकित के और इसकी वैन के लेफ्ट में दो वैन हैं, ठीक है आदि वो सिटिंग बिहाइंड एंड टू द लेफ्ट ऑफ निबिर आदि वो सिटिंग बिहाइंड बिमल बिमल के बिहाइंड में कौन बैठा हुआ है आदि बैठा हुआ है एंड टू द लेफ्ट ऑफ निबिर और ये निबिर के लेफ्ट में बैठा हुआ है फिर से देख लो क्या बोल रहा है आदि वॉज सिटिंग बिहाइंड बिमल बिमल आदि जो है के पीछे बैठता है और निबिर के लेफ्ट में बैठता है शरत टू द राइट ऑफ अजय अजय के राइट में शरत है तो अगर, अगर अजय के राइट में ऐसे शरत है तो हमको पता चल गया कौन कहां बैठेगा अजय यहां पर बैठेगा इसके राइट में शरत यहां पर बैठेगा और अजय के पीछे पुलकित यहां पर बैठेगा है यार क्वेश्चन बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए अगर समझ में आया तो बहुत आसान है फिर तो सबका ऐसे ना एरो बना दो अब क्या बोल रहा है अजीत एंड कोयल वर हैविंग इन द सेम पोजीशन इन देर रेस्पेक्टिव वैन बट अजीत वाज नीदर सिटिंग इन द मिडिल नॉर इन द नॉर इन एनी राइट एंड वैन विच वाज फेसिंग टू द साउथ डायरेक्शन अजीत एंड कोयल वर हैविंग द सेम पोजीशन इस वाली लाइन को ना बाद में देखते हैं ठीक है क्योंकि अभी रिलेटेड नहीं अजीत कहीं पर लिखा था क्या हमने नहीं लिखा तो इस वाली लाइन को ना बाद में देखेंगे ठीक है ये वाले को ऐसे बाद में पढ़ लेंगे इसको छोड़ दे रहा हूं मैं अभी आगे देखते हैं पोजिशन ऑफ रीता एंड प्रिया सेम इन द सेम इन देर रेस्पेक्टिव एन विच फेसिंग टूअर्ड्स द सेम डायरेक्शन इसको भी छोड़ देते हैं अभी मिहिर एंड मनिक फेसिंग द सेम डायरेक्शन मिहिर और मनिक दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं अगर मनिक नीचे देख रहा है तो मिहिर भी नीचे देखेगा अगर मिहिर नीचे देख रहा है मतलब कि मिहिर के लेफ्ट में देवी ऐसा हो जाएगा मिहिर के लेफ्ट में देवी इस तरफ हो जाएगी क्योंकि ये साउथ फेस कर रहा है समीर वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देवी समीर जो है वो देवी के सामने बैठा है तो देवी के सामने समीर आ जाएगा यहां पर देखो ये दोनों अलग अलग कंडीशन है ठीक है ना इसमें ऐसा मत सोच लेना कि ये चार बैठे हैं अलग अलग कंडीशन है सोनू वॉर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रीता सोनू जो है वो रीता के सामने बैठा हुआ है जिया वॉज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन जिया जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रही है अब देखो वो वाली कंडीशन को पढ़ते हैं रीता एंड प्रिया इज प्रिया क्या बोल रहा है पोजिशन ऑफ रीता एंड प्रिया सेम इन रेस्पेक्टिव फेसिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। रीता और प्रिया का सेम डायरेक्शन है मतलब देखो अगर इनकी पोजीशंस फिक्स है रीता की और प्रिया की तो अगर रीता के सामने सोनू बैठा है तो प्रिया के सामने भी कोई ना कोई बैठा ही होगा पोजीशन फिक्स है ना भाई इसके सामने कोई है तो इसके सामने भी कोई ना कोई यहां पर होगा बस अब एक ये वाली कंडीशन बची है इसको देखते हैं कि क्या बोल रहा था इससे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा अजीत एंड कोयल वर हैविंग द सेम पोजीशन इन द रेस्पेक्टिव वैन बट अजीत वाज नीदर सिटिंग इन द मिडिल वैन अजीत मिडिल वैन पे नहीं बैठा है नॉर इन एनी राइट एंड वैन विच वॉज फेसिंग टू द साउथ डायरेक्शन नी राइट एंड वैन मतलब इस वाली वैन पे भी नहीं बैठा है तो ये तीन वैन पे अजित नहीं बैठता ठीक है ये तीन वैन पे अजित नहीं बैठता ठीक है और क्या बोला है चलो इसको ना एक काम करते हैं पॉसिबिलिटी लेके बनाते हैं अब भाई हमको पता है ये तीन यहां या यहां आएंगे ये तीन यहां या यहां आएंगे तो एक एक फिक्स कर देते हैं मान लेते हैं मिहिर देवी समीर यहां पर है ठीक है मिहिर देवी समीर ठीक है इसको देखो पुनीत रौनित मनिक पुनीत रौनित मनिक अब देखो एक चीज निबिर के लेफ्ट में आदि के सामने बिमल रखना है तो भाई या तो ये वाली जगह या तो ये वाली जगह इस जगह पे तो आप तीन लोगों को बैठा नहीं सकते क्योंकि ये सोहन और ललित को यहां पर बैठाना है तो अगर ये सोहन और ललित को यहां पर बैठाओगे तो ये तीन लोगों को बैठाओगे तो पांच लोग हो जाएंगे ना तो पॉसिबल नहीं है यही दोनों को यहां बैठाएंगे ये तीनों को यहां बैठाएंगे तो बिमल आदि निबिर अब एक चीज को समझना एक इंपॉर्टेंट चीज को समझना आपको बोल रहा है प्रिया के सामने कोई ना कोई है ठीक रीता के सामने कोई ना कोई है दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए दोनों सेम डायरेक्शन फेस करने चाहिए क्या इस तरफ आएंगे चेक करते हैं अगर आप प्रिया को यहां रखते हो तो अगर प्रिया को यहां रखोगे तो रीता की सेम पोजीशन यहां और यहां नहीं हो सकती मतलब प्रिया तो यहां नहीं आ सकती प्रिया से ही चेक होगा ना प्रिया को पहले चेक करो प्रिया को आप यहां रख सकते हो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि प्रिया के सामने कोई ना कोई होना चाहिए था मतलब प्रिया तो पीछे वाली सीट पर बैठी है तो वहां पहले चेक करते हैं अगर प्रिया को यहां रखोगे तो रीता को भी इसी तरफ रखना पड़ेगा तो यहां पर देखो ये वाली जगह रीता के लिए दिख रही है लेकिन रीता क्या कि सोनू होना चाहिए रीता क्या कि सोनू होना चाहिए यहां रीता रखोगे तो सोनू नहीं हो पाएगा मतलब यहां प्रिया को नहीं रख सकते सेम चीज़ यहां भी करके देखोगे तो भी गलत हो जाएगा प्रिया यहां रखोगे सामने में विवेक है पर यहां रीता रखोगे तो सामने में सोनू नहीं आ पा रहा मतलब प्रिया को आप इस वाली रो पे तो बैठा ही नहीं सकते ठीक अब देखो इसमें तो ये दोनों बंदे बैठ चुके हैं पहले पुलकित बैठ चुका है प्रिया को यहां बैठा देते हैं ठीक इसमें क्यों नहीं बैठा रहे हैं उसके पीछे का रीजन बताता हूं अगर प्रिया को यहां बैठाओगे तो यहां आपको ये लेना पड़ेगा रीता रीता के सामने सोनू नहीं आएगा यहां अगर प्रिया को बैठाते हो तो यहां रीता लेना पड़ेगा पॉसिबल नहीं है इसलिए यहां पर बैठाओ प्रिया को प्रिया अगर यहां आ गई इसके सामने शरत है तो यही पोजिशन में यहां पर आ जाएगी ये रीता इसके सामने सोनू है अब देखो सोहन ललित रखना था तो सोहन ललित यहां पर आ जाएंगे अब देखो बोल रहा है जिया वॉज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन अगर जिया नॉर्थ डायरेक्शन फेस करी एक ही जगह बची हुई है नॉर्थ के लिए ये सारा जगह तो नॉर्थ वाला हो चुका है सिर्फ यही बचा है जिया के लिए तो यहां रख दो जिया को ये भी हो गया 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 अब क्या बचा हमारे पास अब अजीत वाला बचा हुआ है अजीत वॉज नीदर सिटिंग इन द मिडिल वैन अजीत मिडिल वैन पे नहीं है और एंड वाले वैन पे नहीं है राइट right एंड वाले वैन पे तो क्या बोल रहा है अजीत वॉज नीदर अजीत एंड कोयल वर हैविंग द सेम पोजिशन इन देर रेस्पेक्टिव वैन तो अगर यहाँ अजीत नहीं आ सकता यहाँ नहीं आ सकता तो अजीत यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ये सारे साउथ फेसिंग वाले हो गए अब बोल रहा है अजीत और कोयल वर हैविंग सेम पोजिशन इन दे रेस्पेक्टिव वैन सेम पोजिशन मतलब अगर इस वैन के इस जगह पर अजीत है तो इस वैन के इस जगह पर कोमल हो जाएगी कोयल तो जो नाम बच गया उसको यहां पर रख दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक नाम जो भी बच गया उसको यहां रख दो कौन बचा है सोहन बचा है जो भी बचा है जो भी बचा है फलाना डीम का हो गया सॉल्व सही है एक बार चेक करेंगे आंसर बिमल जिया आदि निबिर बिमल जिया आदि निबिर सोहन सोनू ललित रीता सोहन सोनू ललित रीता अजय सरद पुलकित प्रिया अजय शरद पुलकित प्रिया अजित मनिक पुनीत रौनित अजित मनिक पुनीत रौनित कोयल रोहन विवेक हरीश कोयल रोहन विवेक हरीश मिहिर देवी समीर मिहिर देवी समीर कौन बच गया एक धृति धृति का नाम दिया नहीं था शायद शुरू में दिया होगा तो दिया होगा तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व ठीक है और बनाना है क्वेश्चन कि खत्म करें कितने मार्क्स का होगा एक, एक, तो एक चीज को याद रखना हिंदी वाले इसके बाद न, ये कुछ कंडीशन दी हुई है ये कंडीशन को मैंने अलग से कन्वर्ट नहीं किया हिंदी में सिर्फ यहां तक मैंने कन्वर्ट किया है हिंदी में तो अभी इस वाले को आप लोग इंग्लिश में पढ़ के बना लीजिएगा तो इसके लिए मैं एक अप्रॉक्स टाइम आप लोगों को दे देता हूँ छः छः नहीं सात मिनट का दे देता हूँ ठीक है रीसेट कर लेते हैं टाइम को चलो टाइमर यहाँ चल रहा है ऊपर अर्नब और मोहित नाम लिखा हुआ है ट्वेल्व पर्सन अर्नब मोहित ठीक है तो सात मिनट का समय है जल्दी ट्राई करो जल्दी बनाने की कोशिश करो फटाफट मैं चेकलिस्ट बना रहा हूँ आज की चलिए दोस्तों सात मिनट का समय दिया था मैंने लगभग आठ मिनट हो ही चुके हैं स्टार्ट करते हैं जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या है पहले तो शुरुआत देखते हैं इसकी ट्वेल्व पर्सन अर्नब मोहित अंकित जीत करण राघव सोनल डेविड नयन जहीर गौरव एंड हेमंत आर स्टैंडिंग इन क्यू फेसिंग नॉर्थ एक लाइन पर बारह लोग हैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं रिसीव कैश प्राइस सबको कैश प्राइस मिलता है हजार दो हजार तीन हजार चार हजार छह हजार आठ हजार का ठीक है अंकित वाउ स्टैंडिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अर्नब तो यहां से बनाना चालू करते हैं तो यहां बारह लोग हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अंकित वाउ स्टैंडिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ अर्नब अंकित जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है अर्नब से फिर बोला थ्री पर्सन बिटवीन गौरव एंड राघव फिर बोला अर्नब वॉज स्टैंडिंग फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ मोहित अर्नब जो है वो फोर्थ टू लेफ्ट में है मोहित से जहीर वॉज स्टैंडिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ हेमंत जहीर जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट में है हेमंत से फिर क्या बोल रहा है पर्सन ओ रिसीव कैश प्राइस ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड वो स्टैंडिंग इमीडिएट टू अंकित तीन हजार जिसको भी मिलता है वो अंकित के बगल में होगा मतलब या तो इस तरफ या तो इस तरफ ठीक है फिर क्या बोल रहा है पर्सन ओ रिसीव कैश प्राइस ऑफ चार हजार वो स्टैंडिंग इमीडिएट टू ईच अदर चार हजार वाले जो है वो एक दूसरे के बगल में है

नौ दस ग्यारह बारह ठीक है सॉल्व हो गया ये जीत जो है वो यहीं पर आएगा क्यों आएगा वो बताता हूं थोड़ी देर में इधर देखते जाना जीत जीत से तीन छोड़कर अंकित है तो सबका डायरेक्शन तो ऊपर है ना तीन कंडीशन को मर्ज कर दिया मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया हलवा क्वेश्चन था यार इसको क्यों नहीं बना पा रहे थे तो देखो जीत से तीन छोड़कर अंकित है जीत से एक दो तीन छोड़कर ये हो गया अंकित ठीक इसके बाद देखो अंकित से दो छोड़कर अर्नब है राइट साइड में तो अंकित से दो छोड़कर यहां हो गया अर्नब ठीक है उसके बाद देखो ये अर्नब से तीन छोड़कर मोहित है राइट साइड में तो अर्नब से एक दो तीन छोड़कर ये मोहित हो गया राइट साइड में तो ये तीन कंडीशन हो गई हमारी अब देखो ये वाली कंडीशन को हेमंत से एक छोड़कर जहीर से एक छोड़कर डेविड रखना है तो यहां से चेक करना चालू करते हैं यहां तो मोहित आ गया यहां देखो अगर यहां रखोगे हेमंत को एक छोड़कर यहां छोड़ पर जहीर आ जाएगा एक छोड़कर छोड़ यहां पर डेविड आ जाएगा यहां रखोगे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है यहां रखोगे तो ऐसे एक तो आ जाएगा दूसरा नहीं आ पाएगा ये भी पॉसिबल नहीं है कहां पॉसिबल था यहां पॉसिबल था इन दोनों में पॉसिबल नहीं है अब यहां से देखते हैं यहां रखोगे तो ऐसे ये पॉसिबल नहीं है यहां से ये यह देखो ये पॉसिबल है ये पॉसिबल मतलब दो कंडीशन पॉसिबल है यहां यहां पर और यहां पर किसके लिए हेमंत के लिए ठीक है तो हेमंत के लिए दो जगह पॉसिबल दिख रही है हमको तो एक एक करके चेक करते हैं ठीक है अगर मैं यहां पर अगर मैं यहां पर यहां पर और यहां पर रखता हूं ठीक है तो गौरव और राघव के लिए फिर यह वाली जगह बचेगी हमारे पास भाई हेमंत जहीर और डेविड को अगर मैं यहां यहां और यहां रखता हूं तो फिर गौरव और राघव के लिए मेरे पास ये वाली जगह बचेगी ऐसे ठीक है और अगर मैं यहां यहां पर लेता हूं इसको देखना दूसरे वाले को चेक करते दूसरे वाले को चेक करते हैं इस वाले को अगर मैं यहां पर यहां पर और यहां पर लेता हूं तो कौन सी जगह बच जाएगी फिर मेरे पास एक तो ये वाली जगह बचेगी एक ये वाली जगह बचेगी तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसलिए हम पहले वाले को लेकर चालू करते हैं ठीक है थीके? इसमें क्योंकि दो मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन रही है तो पहले वाले को लेकर हम अभी स्टार्ट कर देते हैं गलत होगा तब फिर इस वाले को चेक करेंगे तो रखो भाई इसको हेमंत से एक छोड़कर जहीर एक छोड़कर डेविड तो ये हो गया हेमंत एक छोड़कर ये हो गया जहीर एक छोड़कर ये हो गया हेमंत नहीं हेमंत जहीर डेविड इसमें भी तो दो बन रहा है यार बन तो इसमें भी दो रहा है इधर से तीन छोड़कर ये इधर से तीन छोड़कर ये बात तो वही हो गई चलो खैर कोई नहीं अब इसको बना लिए तो अभी इसको चेक कर लेते हैं पहले अब क्या करेंगे ना ये वाली कंडीशन को हम हटा देते हैं ये सब चीजों को क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है इसको हटा देते हैं और अब इनके वो रखते हैं अमाउंट रखते हैं ठीक है तो अमाउंट के लिए आगे हमको पढ़ना पड़ेगा तो जो जो कंडीशन हो गई उनको मैं हटा देता हूं तो क्या बोला है आगे देखो ये वाला साइन अगर मिलेगा येन का यूरो यूरो नहीं है येन है ना तो ये वाला साइन जब भी दिखेगा आपको तो इसका मतलब क्या है जो पहले लिखा होगा उसको ज्यादा कैश मिलता है बाद, बाद वाले से क्वेश्चन मार्क में पहला वाला जो है उसको लेस कैश मिलता है बाद वाले से और अगर म्यू लिखा हुआ है बीच में मतलब दोनों को सेम कैश मिलता है तो अब यहां पर देखो कंडीशन हमको दी हुई है इन कंडीशन को हमको देखते जाना है तो चलो देखो भाई एक एक करके कंडीशन को पूरा और सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं इक्वल इक्वल वाले को देख लेते हैं तो राघव और जहीर का इक्वल होना चाहिए तो यहां मैं लिख लेता हूं राघव और जहीर का इक्वल होना चाहिए पहले सिर्फ इक्वल इक्वल वाले को देखो म्यू वाले को देखते जाओ तो ये वाला हो गया और देखो म्यू कहां पर लिखा हुआ है ये देखो हेमंत और अर्नब का इक्वल होना चाहिए तो यहां लिख लेते हैं हेमंत इक्वल अर्नब. ठीक है और देखो म्यू कहां पर लिखा हुआ है सोनल और डेविड का भी सेम है सोनल और डेविड और देखो म्यू कहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है ये देखो मोहित और अंकित का भी सेम है ठीक है तो म्यू वाले तो सारे हो गए अब सबसे ज्यादा हमको कौन सा दिख रहा है भाई ये वाला वाला दिख रहा है ना यूरो येन वाला तो इसका मतलब क्या मोर कैश बी तो यहां पर देखो जहीर को जीत से ज्यादा कैश मिला है ठीक है जहीर को जीत से ज्यादा कैश मिला यहां लिखते जाते हैं जहीर को ज्यादा कैश मिला है जीत से ठीक है उसके बाद देखो ये वाला हो गया जहीर और जीत वाला अब देखो जीत को किससे ज्यादा मिला है अंकित से ज्यादा मिला है और जीत को गौरव से भी ज्यादा मिला है तो जीत को ज्यादा मिला है किससे किससे गौरव से भी और अंकित से भी ठीक है गौरव और अंकित दोनों से ज्यादा मिला ही है देखो जीत गौरव से ज्यादा लेता है यहां जीत अंकित से भी ज्यादा लेता है तो गौरव और अंकित ये दोनों से ही इसको ज्यादा मिला है और इसके बाद देखो और कौन सी कंडीशन है जहीर को ज्यादा मिला है नयन से करण से मोहित से देखो नयन ज्यादा है ज़हीर ज्यादा है नयन से नयन ज्यादा है करण से करण ज्यादा है मोहित से तो मतलब लाइन से लिखना है आप ऐसे ग्रेटर का साइन लगा सकते हो तो लिख देते हैं यहां पर ज़हीर ग्रेटर देन नयन ग्रेटर देन करण ग्रेटर देन मोहित थोड़ा हॉच हो रहा है आप लोग साथ, -साथ में लिखते जाना ठीक है गौरव को ज्यादा मिला है अंकित से ये देखो गौरव को ज्यादा मिला है अंकित से तो यहां पर ये यह जो अंकित हमने लिखा था वो हम गौरव के बाद में भी तो लिख सकते हैं गौरव के बाद में भी तो यहां पर अंकित लिख सकते हो और कौन सी कंडीशन है इसके बाद बच गई जहीर जीत अंकित हो गया अर्नब और क्वेश्चन मार्क मोहित मतलब मोहित को अर्नब से ज्यादा मिला है तो मोहित को अर्नब से ज्यादा मिला ये देखो ये मोहित दिख रहा है मोहित ग्रेटर देन पर लिख दे रहा हूं ये राघव इक्वल्स टू को यहां लिख देता हूं ठीक है उसको वहां से हटा देते हैं। जहीर। इसको मैं यहां से हटा देता हूं यहां पूरा और यहां लिख देते हैं ठीक है अर्नब लिख देते हैं यहां पर तो अर्नब को मोहित को अर्नब से ज्यादा मिला है क्वेश्चन मार्क का मतलब उल्टा हो जाएगा ना लेस और क्या गया अब हमारे पास देखो डेविड ज्यादा है ज़हीर से और नयन से डेविड ज्यादा है जहीर और नयन से तो ये देखो जहीर और नयन से डेविड ज्यादा है मतलब इसको ऐसा करके लिख सकते ऐसा डेविड यहां पर

चार तीन दो एक अब देखो एक दो तीन चार पांच छह। टोटल छह अमाउंट है यहां पर आप देखो एक दो तीन चार पांच छह छह लोग दिख रहे हैं मतलब डेफिनेटली डेविड को अगर जहीर से ज्यादा है तो आठ पे डेविड होगा फिर यहां जहीर होगा फिर जहीर नयन से ज्यादा है तो नयन यहां हो जाएगा नयन करण से ज्यादा है तो करण यहां हो जाएगा करण मोहित से ज्यादा है तो मोहित यहां हो जाएगा मोहित अर्ब से ज्यादा है तो अर्नब यहां हो जाएगा तो इन सभी का अमाउंट यहां पर लिख देते हैं या फिर आप चाहो तो यहां पर नाम लिख दो इनके ठीक है यहां पर नाम लिख देते हैं बाद में ऊपर भी लिख देंगे तो डेविड जहीर नयन देख लो भाई आप लोग एक बार मैं साइड हो जाता हूं डेविड सबसे ज्यादा है फिर जहीर है फिर नयन है फिर करण है फिर मोहित है फिर अन्नब है तो यहां नाम लिख देता हूं मैं डेविड जहीर नयन फिर करण मोहित उसके बाद अर्नब ठीक है तो ये वाली कंडीशन हो गई इसको मैं हटा देता हूं यहां से ठीक है नहीं तो फिर दिक्कत होगी कंफ्यूजन होगा हटा देते हैं अब देखो आपको पता है राघव और, तो और जहीर का सेम है तो अगर राघव और जहीर का सेम है तो राघव जहीर के साथ यहां पर आ जाएगा आ जाएगा ना राघव भाई दोनों का सेम है तो आएगा ना साथ में ठीक और देखो अब देखो मोहित और अंकित सेम है तो मोहित और अंकित सेम है तो यहां पर हो जाएगा अंकित इजी था कि नहीं था अप्रोच अप्रोच बढ़िया थी अप्रोच मैटर करती है आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो हेमंत इक्वल्स टू अर्नब तो अर्नब तो कहा है भैया देखो यहां पर हेमंत को रख दो और सोनल और डेविड का सेम है तो डेविड में यहां पर सोनल को लिख दो ठीक है हेमंत अर्नब हो गया सोनल डेविड हो गया मोहित अंकित भी हो गया क्या मोहित अंकित भी हो गया राघव जहीर भी हो गया ठीक है ये सारी कंडीशन होगी इसको हटा देते हैं अब ये वाली लाइन को देखते हैं तो इस वाली लाइन को देखो जहीर जीत से ज्यादा है मतलब जीत इन दोनों में से किसी एक पर आना चाहिए अब आपको क्या पता है अंकित से ज्यादा गौरव है उससे ज्यादा जीत है तो अंकित से ज्यादा गौरव है उससे ज्यादा जीत है तो गौरव यहां पर आ जाएगा और उससे ऊपर आ जाएगा जीत हो गया तो यह कंडीशन भी हो गई अब देखो आपको क्या बोला अंकित के बगल में तीन हजार वाले होने चाहिए यही बोला था पर्सन हु कैश ऑफ वर स्टैंडिंग इमीडिएट टू अंकित तो पहले इसको नहीं देखते पहले वो चार हजार वाली कंडीशन को देखते हैं कि चार हजार प्राइस पाने वाले जो दो लोग हैं पर्सन हु रिसीव्ड कैश प्राइज ऑफ रूपीज फोर थाउजेंड व स्टैंडिंग इमीडिएट टू ईच अदर चार हजार वाले दोनों बंदे साथ में खड़े तो चार हजार वाले दोनों बंदे कौन है नयन और जीत तो नयन और जीत यहां पर देखो जीत के साथ नयन हो जाएगी यहां पर ये दोनों का फोर के फोर के हो गया अंकित का तो आपको पता है कितना है के है डेविड का आठ हजार है अर्नब का कितना है अर्नब का एक हजार है जहीर का 6000 हजार है हेमंत का हेमंत का एक हजार है और मोहित का मोहित का है दो हजार तो अब देखो गौरव तीन छोड़कर राघव रखना है आपको गौरव तीन छोड़कर राघव तो अब तो एक ही जगह बची गौरव और राघव के लिए और तो कोई जगह ही नहीं है तीन हजार वाले कौन कौन थे करण था करण था और गौरव था मतलब हमको क्या पता है गौरव और राघाव के लिए एक ही जगह ये वाली पहले इधर की भी जगह थी लेकिन यहां तो नया ना गई ना तो अब यह जगह है हमारे पास सिर्फ गौरव और राघव के लिए तो अब क्या करेंगे देखो हमको तो गौरव है तीन हजार वाला तो गौरव को ले लो यहां पर तो राघव हो जाएगा यहां पर राघव का कितना है भाई देखो यहां पर राघव का है छह हजार और गौरव का है तीन हजार अब मेरे ख्याल से ना मुझे जो लग रहा है मुझे लग रहा है कि तीन हजार वाले दोनों बंदे इसके अंकित के बगल में होने चाहिए जो मुझे लग रहा है नहीं तो ये दोनों सेट नहीं होंगे इनका इधर और होगा या कुछ और आप लोगों को दिख रहा है क्या है एक बार बताओ मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि मुझे डाउट इसी चीज का लग रहा है कि या तो दोनों तीन इसके बगल में होंगे तीन इधर तीन इधर तो इससे क्या हो जाएगा तीन हजार वाला कौन बचा करण बचा था ना तो करण को यहां रख देंगे जो बच गया उसको यहां रख देंगे तभी ये पूरा सेट होगा वरना इधर और हो जाएगा हास लिखा है हाँ, लिखा है ठीक है हु कैश प्राइस ऑफ थाउजेंड पर्सन मतलब प्लूरल और प्लूरल मतलब दोनों पर्सन तो इधर वाला भी तीन के हो जाएगा तीन वाला तो अंकित के बगल में दोनों तीन वाले तो करण आ गया यहां पर आप देखो बच कौन गया भाई डेविड सोनल सोनल मेरे ख्याल से बची हुई है बस अभी सोनल को रख देते हैं यहां पर के सॉल्व चलो आंसर मैच करते हैं दोस्तों फटाफट देखिए जीत नयन सोनल करण तो सर घूम जाएगा देखो यार आप लोग देखो आप लोग देख के बताओ जल्दी से इसको एक काम करता हूं ना मैं इधर से देखता हूं यहां से दिख जाएगा ऐसे जीत नयन सोनल करन अंकित गौरव डेविड अर्नब अंकित गौरव डेविड अर्नब राघव हेमंत मोहित जहीर राघव हेमंत मोहित ठीक है और ये उल्टा लिखा है हम उल्टा देख लेते हैं सोनल डेविड जहीर राघव सोनल डेविड जहीर राघव नयन जीत करण गौरव नयनजीत करण गौरव मोहित अंकित अर्नब हेमंत अरे क्या क्या था मोहित अंकित अर्नब हेमंत मोहित अंकित अर्नब हेमंत बिल्कुल सही है परफेक्ट आंसर हमारा हंड्रेड परसेंट करेक्ट चलिए इसी के साथ दोस्तों खत्म करेंगे आज की क्लास और अगर आप लोग चाहते हैं सब्सक्रिप्शन प्रीमियम वाला लेना अगर आप पेड क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही कम प्राइस में दोस्तों आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं एक ऑफलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग की जो प्राइजेज होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं पंद्रह पंद्रह बीस बीस हजार तक फीस पहुंच चुकी है लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में इंडिया के बेस्ट टीचर्स की सारी क्लासेस एक साल तक मिल जाएंगे सारे फाउंडेशन कोर्स सारे मेंस के कोर्स सब कुछ सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा इसमें डिस्काउंट के लिए ए एल वन जीरो का कोड आप लोगों को लगा लेना है ये है डिस्काउंट का कोड इससे आपको एक्सेस मिल जाएगा सारे टीचर्स का और अगर आप सिर्फ मेरी क्लास चाहते हैं सिर्फ रीजनिंग और डी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन ये मेरा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है अंकुश लांबा एक्सक्लूसिव पर जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ठीक है यस ऑफिसर डॉट कॉम इस वेबसाइट को विजिट करना है और वहां पर एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आप मेरा चाहें तो ले सकते हैं या फिर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोड क्या लगाना है ए एल वन जीरो तीन क्लासेस अभी मेरी चल रही हैं सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक साढ़े दस से साढ़े ग्यारह बजे तक और शाम को सात बजे से आठ बजे तक शाम वाली क्लास हालांकि चेंज हो जाएगी बाद में क्योंकि शाम को क्या है कभी कभार क्लास नहीं हो पाती है कुछ काम आ जाता है तो नहीं हो पाती इसलिए शाम वाली जो क्लास का टाइम है वो जब फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाएगा तब फिर वो क्लास शिफ्ट होकर मॉर्निंग में हो जाएगी और फिर मॉर्निंग में दो क्लासेस चला करेंगी चलिए खत्म करते हैं दोस्तों थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पीडीएफ वगैरह के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या ज्वाइन करना है पीडीएफ के लिए आप लोगों को ज्वाइन करना है टेलीग्राम टेलीग्राम का लिंक क्या है तो टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद इसमें सर्च करिएगा एट द रेट बैंकर्स वन जीरो आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को अंकुश लांबा के नाम से एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए क्लास की नोटिफिकेशन भी वहां मिलती है साथ ही साथ पीडीएफ भी क्लास के वहां पर मिलते हैं साथ ही साथ चेकलिस्ट भी वहां पर मिलती है तो बहुत कुछ वहां पर मिलता है आप जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा चलिए खत्म करते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में